तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आर्यन खान से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है, बेल ऑर्डर जारी कर दिया है। 3:30 इस वक्त बज रहे हैं, 3 बजे का लगभग अनुमान जताया जा रहा था तब, जबकि बेल ऑर्डर जारी किया जाएगा। 3:30 बज चुके हैं, बेल ऑर्डर जारी हो चुका है। 1 लाख रुपए के मुचलके पर आर्यन खान को जमानत दी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। इस वक्त की बड़ी खबर 3:30 बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेल ऑर्डर जारी हो चुका है, यानी वो दस्तावेज अब मिल चुका है आर्यन खान के वकील को, उनकी लीगल टीम को, जिसके आधार पर आर्यन खान की जेल से रिहाई होगी। आर्यन खान जो 25 दिन से जेल में बंद है उनकी आज रिहाई की संभावना यहां से बढ़ जाती है। बेल ऑर्डर जारी हो चुका है। बड़ा सवाल यह कि 3:30 बजे से 5:30 बजे के बीच अगले 2 घंटे में ये बेल ऑर्डर सारी कानूनी प्रक्रिया को पूरा करते हुए जेल में पहुंचता है, जेल प्रशासन के पास पहुंचता है या नहीं। 5:30 बजे से पहले अगर ये कागज पहुंचता है जेल प्रशासन के पास तो ये तय माना जाएगा कि आर्यन खान आज ही जेल से बाहर निकल सकेंगे, और अगर किसी तरीके से देरी होती है तो आर्यन खान के लिए आज की रात मुश्किल भरी हो सकती है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है आर्यन खान को। जो जमानत का आदेश है, जो बेल ऑर्डर है उसको जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्यन खान से जुड़ी, बेल ऑर्डर जारी, 1 लाख के मुचलके पर आर्यन खान को जमानत दी गई है बॉम्बे हाईकोर्ट के द्वारा। हालांकि लगभग 1 दर्जन ऐसी शर्त है जो हाईकोर्ट ने जमानत देते वक्त आर्यन खान के सामने रखी हैं, जिसमें आर्यन खान बाकी आरोपियों से बात नहीं कर सकेंगे, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे आर्यन खान, और अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई मामला सामने आता है तो आर्यन खान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे के बीच 3 घंटे के दरमियान एनसीबी के दफ्तर में जाना होगा, आर्यन खान के हरफते पेशी होगी। अगर किसी भी मामले में एनसीबी बुलाती है आर्यन खान को तो आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर में पहुंचना होगा, एनसीबी की जाँच में सहयोग करना होगा। ये तमाम शर्तें हैं ऐसी जो आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। धीरेन्द्र, बेल ऑर्डर जारी हो चुका है, जेल से रिहाई तक का जो पूरा प्रोसेस है वो अब आगे क्या है, क्या कुछ प्रक्रिया है जो अपनानी होगी आर्यन खान की लीगल टीम को? देखिए, अब उनको ट्रायल कोर्ट जाना होगा इसको लेकर, ऑर्डर जो है वहाँ पहुँचेगा, चूंकि लीगल तरीके से पहुँचेगा, अभी देखना होगा दस्ती ऑर्डर है क्या है, उसके बाद तुरंत ये ऑर्डर वहाँ पहुँचेगा। वहाँ जाने के बाद बेल बॉन्ड, इनके लोगों के ये ऑर्डर देखने के बाद बेल बॉन्ड भराया जाएगा, चूँकि ये ऑर्डर देखने के बाद वहाँ जो उनके जमानती होंगे उनकी हैसियत और तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है, उसके बाद उनका वेरिफिकेशन किया जाता है, और जब वो सारी चीज़ों से कोर्ट जो है मुतमईन हो जाता है, उससे देख लेता है कि ये सब वेरीफाइड हैं, उसके बाद कोर्ट उसके बाद की प्रोसेस यानी परवाना जारी, जो रिलीज ऑर्डर है उसको जारी किया जाता है, और वो रिलीज ऑर्डर 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए जो जेल, सूर्यास्त एक समय होता है लेकिन उसके लिए समय दिया जाता है, तो मुझे लगता है 5:30 बजे का जो समय है वहां तक उस रिलीज ऑर्डर को पहुंचना होगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस वहां शुरू हो जाएगी रिहाई की। अगर उसमें देर होती है, चूंकि अभी हालांकि टीम मुझे लगता है तैयार बैठी है वहां, उनके तमाम वेरिफिकेशन को लेकर वो तैयार होंगे ट्रायल कोर्ट में, मुझे लगता है कि जो उसके बाद ये तेजी से डाइट करने की पूरी कोशिश की जाएगी अनुराग, लेकिन ये समय है, समय 5:30 बजे आप बता रहे हैं कि जेल प्रशासन के पास जमानत का दस्तावेज पहुंचना चाहिए, बीच में सेशंस कोर्ट की प्रक्रिया, क्या जानकार बताते हैं, क्या आपका अनुभव है, ये जो 2 घंटे का वक्त है, इस 2 घंटे के वक्त में ये पूरी कानूनी प्रक्रिया सेशंस कोर्ट की पूरी हो सकती है, संभावना है? देखिए, नॉर्मल कंडीशन में पूरे होने में टाइम लगता है, मैं आपको फिर कहूंगा कि उसमें देर लगती है, लेकिन यहाँ हमको ये मानना पड़ेगा कि उनके पास एक टीम भी है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई किसी तरह का उनको विशेष लाभ दिया जा सकता है या नहीं, लेकिन उनके पास टीम होती है, उनके पास वो लोग हैं जिनको जमानत लेनी है, वो अलग बैठे होंगे, वो तमाम चीज़ें, तो मुझे लगता है कि ये कर भी सकते हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कर ही देंगे, लेकिन ये कर भी सकते हैं, ये देखना होगा अनुराग। और ये लगातार क्योंकि तैयारियाँ कल से चल रही हैं, उनको ये मालूम था कि 40वां नंबर है और कोई जो चीफ जस्टिस
जस्टिस हैं वो कोई स्पेशल वेटेज नहीं दिया उन्होंने पूरे उसमें, ना आप सुनवाई में देखा होगा ना आपने उसकी बहस में देखा होगा, तो इसमें भी नहीं मिलना था, लेकिन उन्होंने चूंकि कल कह दिया था अलाउड करने के बाद, कहा था जल्दी वो करेंगे, उनको मालूम है कि जो जो जमानत छुट्टियों का समय शुरू होना है, इसीलिए कल जो है उसके बाद आते ही ये डिक्टेशन जो है बहुत तेजी के साथ हुआ, ये ऑर्डर कॉपी बहुत तेजी के साथ आई है, मतलब इसमें कोई अनड्यू वांटेज नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया में जो तेजी हो सकती है उसके साथ हुई है, और उसके बाद मुझे लगता है कि तेजी के साथ सेशंस में भी पहुंचेगी, और वहां पहुंचने के बाद की प्रोसेस देख रहा हूँ कितना, क्योंकि अमूमन एक घंटा डेढ़ घंटा तेजी में भी लगता है, और वहां से पहुंचना चूंकि वो भी एक कोर्ट की प्रक्रिया के साथ जाता है, मतलब वो अपनी मर्जी से उसको लेकर नहीं भाग सकते कि वो अपने हाथ से लेंगे और उसमें जाएंगे, वो भी एक प्रोसेस के साथ ही जाता है, तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ जो एक दौड़ है उसमें उनकी टीम लगी हुई है, और हमको लगता है कि एक नॉर्मल तरीके में अगर आप मुझसे पूछते तो मैं कहता कि ये काफी मुश्किल काम है, काम अभी भी मुश्किल है, लेकिन ये हो भी सकता है, ये कहा जा सकता है अनुराग, इसको सरल शब्दों में दर्शकों के लिए अगर समझे तो जो अगले 120 मिनट हैं, यानी दो घंटे हैं, उन दो घंटों में अगर ये प्रक्रिया पूरी होती है तो आर्यन आज रात 7-7:30 बजे तक जेल से बाहर निकल सकेंगे, और अगर दो घंटे में ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो आज जेल से बाहर निकलना मुश्किल होगा आर्यन खान का, ये समझा जाए। देखिए सूर्यास्त तक एक समय होता था, सूर्यास्त तक तो 5:30 बजे अगर कोर्ट बेल पहुंच जाएगा ये रिलीज ऑर्डर वहाँ, तो उसके बाद देर कितनी भी हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर चेकिंग होती है, अमूमन उनका सामान वामान सब चीज़ें होती है जो नॉर्मल प्रोसेस मेडिकल की होती है, वो सब चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें वो कभी भी हो सकता है, लेकिन ऑर्डर उनके पास पहुंच जाना चाहिए 5:30 बजे तक, उसके बाद फिर वो आप उनको रिहा होते हुए रात के आपने देखा होगा 7 भी बज जाते हैं 7:30 भी बज जाते हैं, वो जितने कैदी होते हैं जिनके ऑर्डर्स पहुँचते हैं, जो जमानती कैदी होते हैं जिनको रिहा किया जाता है, उनको एक साथ ही रिहा किया जाता है, तो उस दौरान प्रोसेस होती है, उसमें कई बार घंटा डेढ़ घंटा दो लग जाता है, लेकिन अगर वो पहुंचाने में कामयाब हुए 5:30 बजे तक, जो अमूमन अभी तक मेरे पास जो समय है उसके मुताबिक, तो फिर ये रिलीज होंगे, रात में भी हो सकते हैं, उसमें रिलीजिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्डर पहुंचना चाहिए। ठीक है, सीधा रुख करते हैं मन्नत का, शाहरुख खान के घर का, हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मन्नत से। विद्यानाथ, लगभग 3-4 घंटे का वक्त बचता है अगर आज कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, उस 4 घंटे के बाद मन्नत जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, हो सकता है वहां पर जश्न मन रहा हो। जी बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि आज शाहरुख खान का परिवार, शाहरुख खान की जो पूरी टीम है वो इस मौके को अपने हाथ से जाने देगी, क्योंकि आर्यन को लेके शाहरुख कितने बेकरार हैं मिलने के लिए, उनके घर वापसी के लिए गौरी कितनी बेकरार हैं ये सभी जानते हैं, और परिवार के लोग यही चाहेंगे कि आज कम से कम वापसी हो जाए, वो जेल से निकल कर मन्नत पहुँच जाए जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। लेकिन देखिए, इस कॉपी में जो बेल की कॉपी है इसमें क्या कुछ लिखा गया, क्या क्या अहम बातें कही गई हैं, और किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बेल दिया गया है, वो भी जरा एक बार समझ लेते हैं। ज्योत्सना हमारे साथ हैं, ज्योत्सना जल्दी से बताइए बड़े बड़े पॉइंट्स क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत के लिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड जो है वो कोर्ट में दिया गया है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात हम कहना चाहेंगे कि अभी तीनों को जो जमानत मिली है, मुनमुन धमेचा, आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट, ये तीनों आपस में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तीनों जब जेल से बाहर निकलेंगे उसके बाद मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल भी, किसी भी प्रकार का इनके तीनों का भी और इनके आपस मतलब परिवार का भी आपस में बात करना, कम्युनिकेशन करना जो है वो इलीगल जाएगा। अच्छा, तो ये बड़ी बातें हैं, लेकिन कम से कम आज क्या लग रहा है, क्योंकि देखिए अभी कुछ वक्त बचा हुआ है, 5:30 बजे तक बॉक्स में वो लेटर डाला जा सकता है, यानी कि वो कॉपी डाल सकते हैं जाकर, मतलब जेल में ये सबमिट कर सकते हैं कॉपी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उसके बाद कोई वक्त निर्धारित नहीं होता, एक बार कॉपी सबमिट हो गई उसके बाद आ सकते हैं, तो तैयारी क्या है शाहरुख खान की टीम की, शाहरुख खान के परिवार की? जी बिल्कुल, एकदम तेजी से तैयारी चल रही है, अभी फिलहाल मुंबई हाईकोर्ट की तरफ से बेल ऑर्डर कॉपी जो है वो मिली गई है, अभी उसको लेकर वो NDPS और सेशन कोर्ट में जाएंगे, वो ऑर्डर कॉपी जो है मुंबई हाईकोर्ट की जो जमानत की मिली है वो NDPS कोर्ट और सेशन कोर्ट में दी जाएगी, और उसके बाद वहां से और डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगी, और सेशन कोर्ट का जो कॉपी है वो फिर जाएगा मुंबई के आर्थर रोड जेल में। 5:30 ये डेडलाइन रहेगी, 5:30 से 6 बजे तक का डेडलाइन है। ठीक है, ज्योत्सा हमारे दो सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए, धीरेन्द्र पुंडीर हमारे साथ है, पंकज मिश्रा हमारे साथ है, पंकज क्योंकि कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद है, पंकज कोर्ट में इस वक्त क्या हो रहा है, वहां से कॉपी लेकर क्या टीम निकल चुकी है जेल के लिए, क्या हो रहा है वहां पर, जरा जल्दी से बताइए तेजी से।
अच्छा पंकज के पास चलेंगे, धीरेन्द्र, धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र ये बताइए कि कितना वक्त अब लगेगा, अगर कॉपी मिल गई है, कॉपी सामने आ गई है, अब कितना वक्त लगेगा ये जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जेल तक ये कॉपी पहुंचने में? देखिए अभी उसमें विद्या समय लगेगा क्योंकि सिक्योरिटी ब्रांड, हालांकि एक ब्रांड इसमें दिया गया है 1 लाख वाला, तो वो सब तैयारी है वहाँ उनका, मुझे लगता है उनके सबके जो जितने वेरिफिकेशन के सोर्स होते हैं वो सब वहाँ हैं, उनके पास आधार कार्ड और तमाम चीज़ें वहाँ होंगी, तो बेल बोर्ड भरने में, हालांकि इसको एक बार उस ऑर्डर को देखने के बाद मजिस्ट्रेट जो है देखेंगे और उसके बाद वो रिलीज ऑर्डर होगा जब वो वेरीफाई कर लेंगे इनके सबके तमाम जो उनके दिए जाएंगे बेल बोर्ड के लिए, जो सोर्टी जमा करेंगे जो लॉयर उनको, जो भी उनके लिए व्यक्ति होगा जो जमानत लेगा उनकी, उस सब के देखने के बाद तेजी के बाद वो रिलीज ऑर्डर जारी होगा। सारी लड़ाई उसी की है कि उसमें कितना समय लगता है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समय वहाँ वो गंवाएंगे क्योंकि उन्होंने पहले से तैयारी की हुई होगी, तमाम वकील पूरी तरह से तैयार होंगे, वहाँ जैसे ही ऑर्डर पहुंचेगा ये ठीक है, धीरेन्द्र पहुंचते ही वो आगे की प्रोसेस शुरू कर देंगे। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और पंकज क्योंकि कोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, मुझे लगता है कि सटीक तरीके से और सही तरीके से कोर्ट के भीतर क्या इस वक्त चल रहा है और शाहरुख खान की टीम या कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर जारी किया गया है उसकी कॉपी को लेकर क्या हो रहा है वहां पर, पंकज बता पाएंगे? पंकज बताइए। विद्या आपको बता दूं कि हर एक जगह पर, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या फिर अर्थर रोड जेल हो, हर जगह पर शाहरुख खान की लीगल टीम और जो दूसरे आरोपी हैं उनके लीगल टीम पहले से वहां पर पहुंची हुई है। जैसे ही यहां से कोर्ट ने ऑर्डर कॉपी जारी किया, सेशंस कोर्ट में जो पहले से जो वकीलों की टीम बैठी थी उन्होंने वहां पर वो डाउनलोड कर लिया है और आगे की फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है। करीब 1 घंटे का समय लग सकता है, 1 घंटे के बाद जो रिलीज कॉपी है, जो बेल रिलीज कॉपी होगी वो लेकर उसके बाद सेशंस कोर्ट से जो वकील हैं वो निकलेंगे आर्थर रोड जेल के लिए, वहां पर करीब 1 घंटे का समय और लगेगा। यानी मानकर चलिए कि सेशंस कोर्ट में 1 घंटे का समय लगेगा, करीब आधा घंटा या 40 मिनट लग सकता है आर्थर रोड जेल तक पहुंचने में, और फिर एक बार आर्थर रोड जेल अगर पहुंच गए तो फिर वहां पर जो फॉर्मेलिटी है वो शुरू हो जाएगी और ये उम्मीद कर सकते हैं अब कम से कम। देखिए मैं रोक रहा हूं आपको और ये देखिए इस वक्त शाहरुख खान के घर से बाहर गाड़ी निकली हुई है और मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी में परिवार के लोग होंगे जो अब रुख कर रहे हैं आर्थर रोड जेल के लिए। ये गाड़ी निकली है यहाँ पर शाहरुख खान के घर से और इस गाड़ी में जोशना कौन था, क्या समझ में आया कौन था? बताया जा रहा है कि शाहरुख खान था इस गाड़ी में क्योंकि 1 घंटे के अंदर जो है वो आर्यन खान जेल से बाहर आ सकते हैं क्योंकि प्रोसेस जो है अभी सेशन कोर्ट की बहुत तेजी से चल रही है। शाहरुख खान की लीगल टीम जो कि बहुत बड़े बड़े नाम है वो बहुत तेजी से ये प्रोसेस को जारी कर रहे हैं और इसीलिए हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर आर्यन खान जो है 25 दिन के बाद जेल से बाहर आएंगे। और 2 बातें जो बेल कॉपी में बहुत जरूरी है कि किसी भी प्रकार का उनको मीडिया से बात करना मना किया है, उनको अपना पासपोर्ट, आर्यन खान को, मुनमुन डमेजा को और अरबाज मर्चेंट को अपना पासपोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा, अगर वो मुंबई से बाहर जाते हैं तो उनको अनुमति लेनी होगी, और तीसरी कि वो मीडिया से बात नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी बात है क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है और पहले से एनसीबी आरोप लगा रही है कि मामला और मतलब जैसे कि बिल्कुल। और देखिए यहां पर हलचल बढ़ गई है, जैसे ही कॉपी निकलकर बाहर आई है, कॉपी मिल गई है, शाहरुख खान की जो लीगल टीम है वो कोर्ट के भीतर मौजूद है, उनको कॉपी मिल गई है, उसके बाद यहां पर हलचल बढ़ गई है। वो कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं दरअसल यही बेल कॉपी है, ये वही बेल की कॉपी है जिसमें तमाम बातें लिखी गई हैं, तमाम जो शर्तें हैं वो उसका जिक्र किया गया है। लेकिन इस वक्त शाहरुख खान के बंगले के दूसरे गेट की तरफ मैं लेकर आपको चलता हूं, देखिए क्योंकि यहीं से आर्यन जब यहां पर पहुंचेंगे शाम को तो यहीं से उनकी एंट्री होने वाली है। ये देखिए शाहरुख खान का ये बंगला है, ये 6 मंजिला बंगला है और यहां शाहरुख खान अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं और यहीं से शाहरुख खान की जो गाड़ियां हैं वो निकलती है बाहर, उसकी एंट्री होती है और एग्जिट दूसरे गेट से भी। लेकिन तैयारी यही है कि यहां शाहरुख खान के इसी बंगले के इसी गेट से आर्यन खान जो हैं वो जब यहां पर पहुंचेंगे तो इसी गेट से अंदर जाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और ज्योत्सना के पास कुछ और खबर आ गई है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे इस बड़ी खबर पर, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तो देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं शाहरुख खान के बंगले के बाहर, मन्नत के बाहर, ये 6 मंजिला इमारत, ये बंगला है शाहरुख खान का और यहीं आर्यन खान आज शाम को उम्मीद की जा रही है कि जब जेल से छूटेंगे तो यहां पहुंचेंगे। और यहां पर देखिए गाड़ियों का काफिला अभी इस वक्त है, हालांकि बहुत ज्यादा मेहमान यहां पर पहुंच नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी यहां पर मिलने जुलने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन एक बड़ी बात अपने दर्शकों को इस वक्त बता देते हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब
निकलकर जेल से बाहर आएंगे तो उनकी जिंदगी 360 चेंज हो चुकी होगी, क्योंकि ये वो तजुर्बा है जिसे जीवन में कभी भी कोई हासिल नहीं करना चाहता है। लेकिन बहुत कम उम्र में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ये तजुर्बा मिल गया है। और जैसा कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, जेल के सूत्रों के हवाले से, कि कई ऐसे दोस्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के वहां जेल में बने हैं, जो किसी ना किसी आरोप में वहां पर मौजूद थे और उन आरोपों की वो या तो सजा काट रहे थे या फिर उन्हें फिलहाल जेल में रखा गया था। तो शाहरुख के बेटे आर्यन ने उनको मदद की भी बात करी। लेकिन एक बड़ी बात ये जो ज्योत्सना बता रही है कि आखिर ऐसी कौन सी बड़ी बात है जो बेल की कॉपी है उसमें, और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए अब उनकी उनका जो जीवन है वो कैसे बदलने वाला है, पहले से उनकी लाइफ कैसे बदल जाएगी। अभी शाहरुख खान के बेटे को परमिशन कहीं पर भी, मुंबई छोड़कर भी अगर उनको कहीं जाना है तो उनको एनसीबी की और न्यायालय की उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। वो ऐसे ही सिर्फ पहले की तरह कहीं भी उठकर नहीं जा सकते। दूसरी अहम बात है कि अब हर शुक्रवार को शाहरुख खान के बेटे आर्यन, यानी कि हर जुम्मे को, हर जुम्मे टू जुम्मे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के दफ्तर में 11 से 2 के बीच जो है वहां हाजिरी देनी पड़ेगी। हर जुम्मे के दिन, मतलब हर शुक्रवार को देनी पड़ेगी। दूसरी बात कि अब शाहरुख खान के बेटे जो है उनको अपना पासपोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट में सबमिट करना है, यानी कि अगर विदेश जाना है तो पहले पासपोर्ट कलेक्ट, ये तमाम शर्तें हैं। लेकिन अब मुझे लगता है, क्योंकि यहां देखिए, एक बार दिखाइए इधर, मैं अपने वीडियो जल्द से कहूंगा कि यहां पर बहुत सारे फैंस मौजूद हैं। ये देखिए, समंदर का किनारा है, यहां शाहरुख का बंगला है और यहीं पर आर्यन खान रहते हैं। यहीं पर आज जब जेल से निकलकर वो आएंगे तो यहीं पहुंचेंगे। बहुत सारे फैंस यहां पर खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं क्योंकि अब शाहरुख खान की जो तमाम लीगल टीम है वो एक्टिव हो चुकी है, हलचल बढ़ चुकी है। अब जल्दी से जल्दी कोशिश होगी शाहरुख खान के पूरे परिवार और उनकी टीम की कि आर्यन को जल्दी से घर वापस लाया जा सके और आज शाम तक उन्हें घर वापस लाया जा सके किसी भी कंडीशन में। इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।